मैं अपना एक वोट कम नहीं करना चाहती थी अपने देश के विकास के लिए, तो मैं चाहती थी कि मैं मोदी जी को वोट देने जरूर जाऊँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से मैं गिर गया था। एंड उसके बावजूद आप यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए हैं? क्योंकि हमारी नेशनल जिम्मेदारी है और हर किसी को वोट डालना चाहिए। सिर्फ एक ही मुद्दा है, वोट फॉर द कंट्री, और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो साथ दे उसको वोट दीजिए। ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं, अभी आप देख रहे हैं जिस तरह देश का माहौल हो रहा है, तो उन्हें अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पराजित किया जाए। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आज हम आए हैं लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण की वोटिंग की कवरेज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां दे दूं। दूसरे चरण की आज वोटिंग है, 88 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे आज वोट डलने हैं। ये केरला में वोट डलेंगे, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में वोट डलेंगे और उत्तर प्रदेश में वोट डलेंगे। इस समय मौजूद है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर हम कवर करने के लिए आए हैं लोगों का। इलेक्शन में कितने लोग आ रहे हैं, क्या इनका रिस्पॉन्स रहता है, काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ देखी जा सकती है, लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के मद्देनज़र भी काफ़ी कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है यहाँ पर, पूरा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। सब बहुत ही मन लगाकर काम कर रहे हैं अपना, और लोग भी भारी मात्रा में आ रहे हैं यहाँ पर। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, विकलांग लोगों से लेके, दिव्यांग लोगों से लेके, बूढ़े लोग, यंग लोग, सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं लोग यहाँ पर वोट करके आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर आपका? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो आप क्या आपके मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों पर आप आज वोट करने के लिए आए? विकास के मुद्दे पर ही हम जो आए हैं जी। तो आपके एरिया में आपको क्या लगता है कि क्या बातें हैं ऐसी जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? अभी सफाई पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है जी, और बाकी तो सब अच्छा है। बाकी सब अच्छा है जी। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वोटिंग का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और कैसा इंतजाम है, सब अच्छा इंतजाम है? इंतजाम सही है। क्या लगता है इस बार कितने, काफी भीड़ भाड़ दिख रही है? काफी भीड़ भाड़ है और इस बार तो बीजेपी जीत रही है। मोदी, वोट फॉर मोदी। हमने ऑलरेडी रात को सारी की सारी पर्चे भी बांटी थी काफी देर तक, और काफी काम हमने करा था ताकि सबके पास पर्चे पहुंच जाए, सुविधा रहे जी। तो जिनको नहीं पहुंचा है तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं सुबह से ही 6 बजे से, तो वी आर जस्ट वर्किंग आउट कि सबके पास पहुंचे रहे पर्चे। एंड वी कैन, नहीं ये हम पूछेंगे वोट, वी आर एक्चुअली वर्किंग कि एटलीस्ट इस बार में जो सबसे चीज है, जो चुनाव है केवल विकास और विकास के लिए चुनाव, बाकी और कोई नहीं, कोई मुद्दा नहीं। डेवलपमेंट, विकास और विकास वर्सेस मोदी, विकास मोदी और जो हमारे योगी जी है, तो हमारे मोदी जी ने जो काम किया है विकास के लिए, वो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चीज है। और जब राष्ट्र हमारा सुरक्षित होगा, जो हमारे मोदी जी ने राष्ट्र को सुरक्षित किया है, विकास किया है, यही हमारे देश की सबकी भावना है और इसी पे वोटिंग हुआ है। हमारे एरिया में मोदी बीजेपी के आने से बहुत बदलाव हुआ है और आगे भी होगा, और हम तो बस वोट फॉर मोदी, जो राम को लाए हमें उन्हें लाएंगे। मैम आप वोटिंग करके आ चुकी हैं? या मेरा वोटिंग यहाँ नहीं था, मेरा था गौतम बुद्ध नगर गौर इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, तो आप यहाँ पर कैसे? मेरे हस्बैंड का है। अच्छा, हस्बैंड का यहाँ पर है। तो इसके बाद आप इससे पहले गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग करती हैं? या कैसा है वहाँ का एक्सपीरियंस? कैसा? बहुत अच्छा है, बहुत एकदम कूल और बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रहा वहाँ का। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मतलब हमारे सरकार को, हमारे एरिया के नेताओं को काम करने की ज़रूरत है? जी देखिए, एक तो यह है कि शांति बनी रहे और विकास हो हमारे देश में, और सब आपस में भाईचारे से रहें शांति के साथ, और जो है जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे की परेशानी को आसानी से हल किया जाए, ये सब। ये मैम आई है स्पेशली गुड़गांव से वोटिंग करने के लिए अपने एरिया के लिए, तो मैम कैसा रहा आपका वोटिंग एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, और मैं अपने बच्चे का एग्ज़ाम था, मैं यह स्कूल भेज के और मैं स्कूल में छोड़ के उसको आई हूँ गुड़गांव से, कि उसको फिर 2 बजे मुझे पिक करने हैं स्कूल जा कर के। लेकिन मैं अपना एक वोट कम नहीं करना चाहती थी अपने देश के विकास के लिए, तो मैं चाहती थी कि मैं मोदी जी को वोट देने जरूर जाऊं और अपने देश के विकास की बातें करूं, कि भाई हमारा देश आगे बढ़े, विकास हो, प्रोग्रेस हो, और मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सही में हो रहा है हमारे देश में जी। आपको, आपके हिसाब से कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है, वो क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे हमारे लिए तो
एक तो पहला होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल को थोड़ा सा मोदी जी को देखना चाहिए कि बच्चों का स्कूल फ़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और प्राइवेट अपना जो हॉस्पिटल है, इन दो चीज़ों पे ज़रूर काम करने चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जो भी प्राइवेट ये हॉस्पिटल्स हैं उसमें मतलब जो जिनके पास पैसे ना हो तो वो अपना इलाज नहीं करा पाएंगे, और जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात है वहाँ पे मतलब वो फैसिलिटी नहीं है, बेड नहीं है, जिसके कारण लोग प्राइवेट में भागते हैं अपने इलाज के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि सरकार एक प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल पे काम करे। हम आपको दिखाते हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर लोगों की पर्चियाँ बन रही हैं, इसके बाद अंदर मतदान के लिए लोग जाएंगे। जिस तरीके की यहाँ पे भीड़ दिख रही है, जिस तरीके का यहाँ पर टर्नआउट है, काफ़ी अच्छा रहा है, अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। गाज़ियाबाद लोकसभा में जो मतदान प्रतिशत रहा है 9 बजे तक का, वो कुल 10.67 प्रतिशत रहा है। जी सर, आपको क्या हुआ है, पहले तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से मैं गिर गया था। एंड उसके बावजूद आप यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए हैं? क्योंकि ये हमारी नेशनल जिम्मेदारी है और हर किसी को वोट डालना चाहिए। जी, बहुत अच्छा लगा ये देख के। आप बहुत ज़्यादा पेन में, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बट आपसे ही जानना चाहूँगी आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या किस मुद्दों के बिना पे आप इलेक्शंस के लिए वोटिंग करने के लिए? सिर्फ एक ही मुद्दा है, वोट फॉर द कंट्री, और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो साथ दे उसको वोट दीजिए। जी बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सर। आप सर आप वोट करने आए हैं, आप कितना ज़रूरी है आपको लगता है वोट करना? वोट तो एक पार्ट है जिंदगी का, वोट डालना ये जिसको विकास पे है, जो डेवलपमेंट पे जिसको ने किया है उस पर वोट डालना है। ये तो बाकी तो ये फर्ज है, एसेंशियल है। पहले ही जिस तरह हम खाना खाते हैं उस तरह सब कुछ करते हैं, यही हमारी ड्यूटी है डेवलपमेंट नेशन के लिए। नेशन पहले है, इसलिए नेशन को पहले बन देने, लेकिन डेवलपमेंट नेशन और जो हमारे विकास दिन ब दिन की जो चीज़ें हैं तो उसको हम वोट दे रहे हैं। एज अ गाज़ियाबाद रेजिडेंट आप यहाँ पर रहते हैं, आपके क्या मेजर मुद्दे होते हैं जिनको लेकर आप? हमारे मुद्दे तो यही हैं, एक तो सफाई, एक तो जैसे सफाई है, बाकी ये सड़कें हैं, और सड़कें हैं, पानी है, ये चीज़ें, क्योंकि आधे ऐसे डेवलपमेंट हो रही है कॉलोनी जहाँ पर पानी भी नहीं है, सफाई नहीं है, उस चीज़ को वो डेवलपमेंट करने के लिए हम वोट उसको पहले दी। तो इस बार उम्मीद है आपके चुने हुए जो नेता होंगे वो ऐसा कर पाएंगे, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? ये तो उन पर डिपेंड करता है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। जी। वो तो उनको देखना है कि लोगों ने अगर वोट की जिस पार्टी को भी आएगी, जी, जो भी कैंडिडेट आएगा उसको देखना पहले, एसेंशियल लोगों की जो जिस पर वोट कास्ट किया है उसको तो वोट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि आगे तो पब्लिक उसको आने नहीं देंगे। ये चीज़ है। इस समय हम मौजूद हैं मनोज गौर जी के साथ में, जो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया देंगे। यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, निगम पार्षद, और इस समय इनकी जो पत्नी जी हैं वो इस समय यहाँ की पार्षद हैं इस एरिया की, और इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसा वोटिंग टर्नआउट रहा, क्या क्या अभी चल रहा है यहाँ पर। सर नमस्कार, हमसे बात करने के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कैसा चल रहा है यहाँ पर अभी, किस तरीके का वोटिंग कैसा हो रही है अभी तक? सुबह 7 बजे से यहाँ पर लोगों की देखा ना कितनी मतलब भीड़ है जी, लोगों में उत्साह है। ये राष्ट्र का चुनाव है, सब जानते हैं कि राष्ट्र में कौन आने वाला है ना, मोदी जी की तरफ लहर है, और मोदी जी का जो विजन 400 का विजन है वो सब पार हो रहा है। सब देश जान रहा है कि हमें विकसित भारत के लिए, निर्माण के लिए वोट करना है। देखो आपने लोग, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो वोट देने के, मतलब विकलांग लोग भी आ रहे हैं, दिव्यांग भी आ रहे हैं, है ना, ऐसे लोग घर से निकलने के लिए आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, ये लोकसभा का पर्व है, लोग उसको जो है मना रहे हैं। वोटिंग टर्नआउट अच्छा जा रहा है, मतलब अभी तक सुबह 7 बजे से लेके अभी तक में कितना लोग आ चुके होंगे? देखिए कौशाम्बी वैशाली एक गाज़ियाबाद का मतलब पौश इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं जी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बाहर चले गए हैं, छुट्टी लेके हैं, लेकिन कुछ लोग, मैंने अभी मुझे मैडम मिली सिंगापुर से वोट डालने आई है, ये बंगाल से वोट डालने आया है, यानी कि लोगों में उत्साह वोट डाल देगा ना, मेरा मानना कि वोटिंग पिछले साल के मुकाबले अच्छा होगा, पिछले साल के मुकाबले अच्छा होगा। सर क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आज आप वोट डालने के लिए? बेसिकली जो कम्युनल फोर्सेस हैं, अभी आप देख रहे हैं जिस तरह देश का माहौल हो रहा है, तो उन्हें अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पराजित किया जाए, और जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसे बचाने के लिए बेसिकली, क्योंकि अगर संविधान ही अगर हमारा
वो हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम लोग इतने दूर से आए हैं यहाँ पर। तो देखिए बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है जी, हर एक वोट काउंट करता है, आपके एक वोट से भी बहुत बड़ा डिफरेंस जाता है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस समय मेरे साथ मौजूद है फर्स्ट टाइम वोटर, हमारे देश के भविष्य, क्या नाम है सर आपका? तक्ष गौर। सर वेरी प्राउड ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना मतदान, अपना मताधिकार का यूज़ किया। आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप क्या सोच के, किन मुद्दों के बारे में आप सोचते हैं, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है जिसके लिए आपने वोट किया है? बिल्कुल डेवलपमेंट तो बिल्कुल हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी देखा जाए और हाईवे वाईवे भी देखे जाए तो बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ, उन्हीं को देख के वोट दिया जी। और आपके हिसाब से और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें, जो आपको लगता है कुछ ऐसे बदलाव जो लाने चाहिए एज अ यंग वोटर, एज अ यंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्या आपको लगता है? माइक पे नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। क्यों नहीं बोल पाएंगे, प्लीज बोलिए। क्या क्या ऐसे कुछ आपके जो अपना अधिकार है आपका एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आपको मेरे ख्याल से बोलना चाहिए आपको कि आपको क्या चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए आपको? बढ़िया चल रहा है और इसी को देखते हुए हमने आगे बढ़ दिया है कि यही कंटिन्यू रहे जी। अच्छा चलिए, आपको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप आई होप आगे आने वाले ईयर्स में भी आप करते रहे, वोट करते रहे और लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। आपके कोई और भी ऐसे जानने वाले हैं आपके फ्रेंड्स या कोई जो वोट करने के लिए आए हैं? वो आएंगे, वो थोड़े लेट आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच सर। क्या उम्र है आपकी माता जी? हमारी 170 तक है। 70 तक। अच्छा, मैं देख रही थी आपको बड़ी परेशानी से आप आई हैं, पर वोट करने के लिए आई है अपने अधिकार के लिए। किन मुद्दों पर आप वोट करने के लिए आई हैं आज? मोदी जी को जिताने के लिए। मोदी जी को जिताने के लिए, भाई सही बात है, मोदी जी देश के लिए कर रहे जो कुछ कर रहे हैं। क्या क्या बदलाव किए हैं आपके हिसाब से? अब काफी कुछ, क्या मेरे पाँव में दर्द रहता, वैसे जाती नहीं के बाहर, पैर में दर्द नहीं, घर में ही रहती हूँ। न्यूज वगैरह में देखते हैं, टेलीविजन वगैरह देखते हैं, तो उनको पता है। तो मोदी जी के लिए इसलिए वोट करने आए हैं? हाँ जी, विकास कराया। हाँ जी। तो जैसा कि हमने अभी तक आपको दिखाया, लोग एकदम कड़ी तपती धूप में आ रहे हैं पर वोट करने आ रहे हैं और काफी अच्छा टर्नआउट दिखा है हमें गाजियाबाद के इलाके में। तो बाकी जगहों पर भी हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बहुत अच्छा टर्नआउट हो रहा है, लोग वोट करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी बीच हमको एक मैम मिली है, आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने के लिए आए, किन मुद्दों पर आप मैम वोट करने के लिए आई, क्या आपने ऐसा बदलाव देखा है? हमें तो बदलाव ही बदलाव दिखाई दिया है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वोट डालने में बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। एक ही कमी लगी कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, ये जो है बस यही एक कमी हमको फील हो रही है कि हमारे सीनियर सिटीजन बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी खड़े हुए हैं जी। बस बाकी तो अच्छा ही अच्छा है और जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे ही प्रोग्रेस होनी चाहिए, ऐसे ही प्रोग्रेस होनी चाहिए। बिल्कुल। आपके हिसाब से आपको कहीं लगता है कि कहीं किसी चीज़ में कुछ कमी हो रही है, जो चीज़ बदलनी चाहिए थोड़ी, जिसमें अभी कुछ बदलाव की उम्मीद है? उम्मीद बहुत है लेकिन एक एक पॉइंट थोड़ा ना गिनाए जाएंगे, काफ़ी है और वो होगी भी आगे, आगे होगी कि होगी भी, बिल्कुल होगी। ये हमें पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर, आने वाली जो हमारी सरकार फिर से आएगी, पूरा भरोसा है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत फुल ऑफ एनर्जी है यहाँ पर लोग, जैसा कि हम अभी हमने आपको मिलवाया इनसे, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी पसंद की सरकार चुनना चाहते हैं और एक एक वोट काउंट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों से भी सबसे ये उम्मीद करूंगी और सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तो दूसरे चरण के चुनाव हैं, आगे अभी 5 चरण और बाकी हैं, बढ़ चढ़ के वोटों में हिस्सा लें, आपका एक एक वोट बहुत काउंट करता है। तो हम आगे भी आपको इलेक्शन से जुड़ी सारी की सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ मैं गायत्री चौहान फॉर श्रेष्ठ भारत, नमस्कार।